2007 में मेरे को अच्छी तरह याद है, ठीक है, मेरा मंडी का काम था। हाँ? तो मैं लेबर के लिए 100 रुपए की 33 बोरियां लेके जाता था। कितने साल हो गए? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। और साथ में है जी ये 100 साल पुरानी लस्सी। और हमारी पूड़ी सर बिल्कुल ऑयल फ्री पूड़ी होती है, देखें आप, पूड़ी के अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं होता है हमारी, और विदाउट अनियन गार्लिक होती है। तो अलो जी, मैं अपने खैर दिल्ली के अंदर घूम रहा हूँ। दिल्ली के अंदर कहाँ घूम रहे हैं हम? रोशनारा रोड पे आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। दिल्ली वालों का सबसे पसंदीदा ब्रेकफास्ट है जी बेडमी पूरी और कचौरी। मैं एक ऐसी दुकान पर आया हूँ 40 साल से एक ही स्वाद बेच रहे हैं, तो आओ क्या इनके ब्रेकफास्ट में खास, चलो मैं बताता हूँ आपको, चलो मेरे साथ। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया। कितने साल हो गए जिंदल पूरी को? भैया 1982 में फादर ने स्टार्ट किया, ठीक है, हाँ, और उस टाइम 1 या 1.5 रुपए की प्लेट से स्टार्ट हुई थी, अब 40 रुपीज प्लेट है। 1.5 रुपए में कितनी पूड़ियाँ मिलती थी? शायद उस टाइम 3 होंगी, तीन होती होंगी, ठीक है। ये इनका प्यारा सा सेटअप है, बड़ा क्यूट सा सेटअप है। यहाँ निकल रही है जी बैक टू बैक पूड़ियाँ। ये देखो जी क्या बात है जी। तो ये देखो जी, कोई खाने के लिए आ रहा है और कोई पैक करवा के लेके जा रहा है अपने घर पे। भाई यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो 8-10 सालों से जो आ ही रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से सेटअप स्टार्ट होता है। ये पड़े हुए हैं जी डो। भैया ये डो किस चीज के बनते हैं? ये भी मोटा आटा होता है, मोटा आटा होता है, हाँ, और ये 1.5 घंटे पहले लगा के रखा जाता है, ठीक है, हाँ। उसके बाद इसके अंदर ये जो हमारी ये उड़द की दाल की, उड़द की दाल की पिट्ठी है, हाँ, ये डो के अंदर जो है भरी करी जाती है, हाँ जी, ठीक है, इसलिए इसको बेडमी बोलते हैं, बेडमी बोलते हैं, ठीक है जी। मैंने के पास होती है जी पूड़ियाँ, कचौरी, साथ में ये गुलाब जामुन, ब्रेड पकोड़े। अंकल आपको कितने साल हो गए? पहले दिन से ही खा रहा हूँ जी, 1982 से। 2007 में मेरे को अच्छी तरह याद है, ठीक है, मेरा मंडी का काम था। हाँ? तो मैं लेबर के लिए 100 रुपए की 33 पूड़ियाँ लेके जाता था। तो खास क्या लगता है अंकल इनकी पूड़ियों में आपको? पूड़ियों का स्वाद बहुत है, आटा बहुत अच्छा है, बनाने वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मटेरियल बहुत अच्छा है। अंकल पहले जैसा स्वाद मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, वैसा ही स्वाद मिलता है। एक इनके कोफ्ते होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, ये अंकल बता रहे हैं इनके कोफ्ते जो होते हैं ना बड़े टेस्टी होते हैं। क्या बात है, ये उड़द की दाल के बनाते हैं ये, ठीक है, बहुत बढ़िया होते हैं। भैया आप बताओ जरा कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? कितने साल हो गए? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। तो भैया ये पूड़ी के साथ क्या क्या देते हो आप साथ में? पूड़ी के साथ सर हमें आलू की सब्जी है एक। ये देखिए ये पूड़ी के साथ आ गई जी आलू की सब्जी है, और ये हमारे छोले और कोफ्ते होते हैं। छोले और कोफ्ते होते हैं, ये दाल का कोफ्ता होता है उड़द की दाल का, ठीक है, हाँ। ये हमारा मेथी की चटनी और कचालू का अचार है। मेथी की चटनी और कचालू का अचार जी, ये मूली का अचार है, ये सीजन वाइज चेंज होता है, अभी गाजर आ जाएगी, घी आ जाएगी। तो भैया अपनी ये थोड़ी लोकेशन समझा दो। ये सर नियर बाय पुलबंगश मेट्रो स्टेशन पड़ता है, पुलबंगश आजाद मार्केट की तरफ से आएंगे तो पुलबंगश मेट्रो स्टेशन की तरफ से आना होगा, और ये वाली रोड जो है घंटाघर सब्जी मंडी और कमला नगर की तरफ से आती है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अपना टाइमिंग बता देना भैया। मॉर्निंग में 7:00 स्टार्ट हो जाता है और बेडमी रहती है 2:30-3 बजे तक, उसके बाद शाम को 8-8:30 तक कचौड़ी, समोसे, ब्रेड पकोड़े ये सब रहता है। ये पूड़ियों को पहले हाफ डन करके निकाला जाएगा। ये देखो पूड़ियाँ यहाँ पे बन रही हैं, भैया बना रहे हैं, ये देखो, और साथ के साथ पूड़ियाँ जा रही हैं कढ़ाई के अंदर। तो इसको पहले हाफ डन करके निकाला जाएगा, उसके बाद इसको दोबारा गर्म किया जाएगा। उसका कारण ये होता है कि पूड़ी एकदम खस्ता निकलती है और ऑयल भी कम जाता है उसके अंदर। ये ऑयल कौन सा यूज होता है इसमें? रिफाइंड में करते हो? ये रिफाइंड में होते हैं सारे, रिफाइंड में करते। रिफाइंड भी हमारा ब्रांडेड होता है, पनघट या पोस्टमैन का रिफाइंड लगाते हैं, ठीक है जी। तो भाई ये इनका मेन्यू है, बहुत बड़ा मेन्यू नहीं है, 8-10 आइटम है, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट में उसमें 4-5 आइटम है इनके पास। ये देखो बेडमी पूरी, कचौरी, समोसा, आलू ब्रेड पकौड़ा, पनीर ब्रेड पकौड़ा, रायता, बेसन लड्डू, लस्सी, गुलाब जामुन। तो इनको जोमेटो और स्विगी पे भी ऑर्डर कर सकते हो। ये देखो जी जिंदल बेडमी पूरी के नाम से इनका आएगा। तो भैया लगाना हमारे लिए एक प्लेट है भाई, अपनी प्लेट लगने जा रही है। ये आ गई सबसे पहले आलू की सब्जी, ये आ गई है जी छोले और कोफ्ता, छोले कोफ्ते की सब्जी आ गई, साथ में आएगी ये मेथी की और कचालू की चटनी, ये आ गया साथ में, ऊपर से आ गई जी दही, और ये आ गया हींग वाला मसाला इनका। ये अपनी प्लेट तैयार हो गई है। ये आ गई जी कचौरी, हमने कचौरी भी लगवाई है और बेडमी पूरी भी लगवाई है, दोनों चीज़ लगवाई है, दोनों चीज़ ट्राई करेंगे। ये देखो तो भाई अपना हर बार की तरह टेबल सज चुका है जी। हम दिल्ली का पसंदीदा नाश्ता करने आए हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वाले बड़ा ही पसंद करते हैं जी बेडमी पूरी और कचौरी। तो ये देखो जी, ये आ गई जी बेडमी पूरी, ये देखो जी क्या बात है जी। और ये जो पूरी तैयार की जाती है ना, ये नॉर्मल आटे से कभी भी घर पे बनाने की ट्राई करोगे ना कभी नहीं बनेगी। इसका आटा जो होता है ना, इसका मोटा आटा होता है, मोटा आटा पीसा जाता है, दरदरा आटा जिसको कहते हैं। साथ में दी है जी सब्जी, ये देखो कोफ्ते छोले की सब्जी और साथ में आलू की और साथ में कचालू और मेथी की चटनी, ये देखो
ये थोड़े लगाए छोले, ये थोड़ा सा लगाया जी कोफ्ता, थोड़ा नहीं पूरा लगा दिया भाई मैंने। ये देखो, ये देखो, एक बाइट तैयार करी। क्या बात है, ये पेट में पूरी के मसाले होते हैं ना जो इनकी सब्जी होती है, हींग का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, हींग का बड़ा जबरदस्त लगता है। बताते हैं कि हींग इसलिए डाली जाती है कि ये खाने के बाद ना आपको जलन ना हो, गैस ना हो, तो हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखा जाता है। और साथ में ये दिया इन्होंने कचालू का अचार, मेथी की चटनी साथ में कचालू। और साथ में इन्होंने दिया जी मूली का अचार। ओए होए, अब बारी आती है कचौरी की। ये देखो, मैं तोड़ के दिखाता हूँ, इसके अंदर फीलिंग में दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर भी दाल की फीलिंग है, बस इसमें यही फ़र्क होता है कि इसके अंदर जो दाल होती है ना वो भून के डाली जाती है और बेडमी के अंदर भिगो कर डाली जाती है। साथ में आपको सब्जी देंगे छोले और कोफ्ते की, और साथ में देंगे आलू हींग वाले, और साथ में मेथी की चटनी, और साथ में मिलेगा जी आपको, और साथ में ये मूली का अचार। एक बाइट लेता हूँ। ओए होए होए, एक ही बात बोलूंगा पंजाबी में, वट घटता है जी। और साथ में है जी ये 100 साल पुरानी लस्सी। मैं 100 साल पुरानी लस्सी इसलिए बोल रहा हूँ, साथ में सामने इनकी दुकान है जी, कुंजी लाल जगदीश प्रसाद जिंदल, बड़ा ही नॉन नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, 100 साल पुरानी दुकान है। बस कहते हैं कि जिस एरिया में खड़ा हूँ ना, इनसे बढ़िया पनीर दही दूध कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इनकी इन्हीं की दुकान है, वो वहीं से बन के आती है लस्सी, मैं पीता हूँ। भाई साहब मज़ा आ गया। तो भाई प्राइस की बात करूँ, 25 रुपये की कचौरी, 40 रुपये की बेडमी पूरी, 2 पूरी प्लेट, और 70 रुपये की ये 100 साल पुरानी लस्सी। तो मैं एंजॉय करता हूँ। तो भाई मेरा ब्रेकफास्ट हो गया जी, बड़ा हैवी। आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो ऐसा, बेडमी पूरी खाना चाहते हो, कचौरी खाना चाहते हो, लस्सी पीना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो भाई मैं लोकेशन की बात करूँ ना, ये रोड जो आ रहा है ना आज़ाद मार्केट की तरफ से आ रहा है, और पुल बंगश मेट्रो स्टेशन पड़ता है नियर बाय, और इधर जो जा रहा है घंटाघर की तरफ जा रहा है, उसके अपोजिट ही ये शॉप है जी। ये देखो जी, जिंदल बेडमी पूरी। मैं वीडियो यहीं एंड करने लगा हूँ जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह कुछ नई वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।